कोरोना वायरस के संक्रमण से अपने गांव को बचाने के लिए ग्रामीण इलाकों में रास्ता बंद करने की खबरें आ रही हैं और ऐसा ही एक मामला कांकेर में भी सामने आया, जहां कांकेर जिले से आंबाबेड़ा जाने वाले मुख्य मार्ग को ग्रामीणों ने बड़े बड़े पेड़ काटकर लकड़ियों से ब्लॉक कर दिया है और बाहरी व्यक्तियों को गांवों में प्रवेश निषेध के पोस्टर लटका दिए गए हैं। ऐसे में जरूरी सेवा वाले वाहन, स्वास्थ्य अमले को भारी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पहुंची महतारी एक्सप्रेस गांव की एक गर्भवती महिला को जंगल के रास्ते से लेकर किसी तरह बामुश्किल अस्पताल पहुंची। स्वास्थ्य अमले ने बताया है कि इस क्षेत्र में ज्यादातर गांवों में इसी तरह मार्ग को बंद कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे में जंगल की पगडंडी वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई मरतबा मरीजों की जान को भी खतरा बना रहता है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूरे देश में 21 दिनों तक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। वही हम कांकेर जिले की बात करें तो कांकेर जिले के अंदरूनी इलाकों में ग्रामीणों के द्वारा लॉकडाउन गांव को कर दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कांकेर से आमाबेड़ा जाने वाली मुख्य मार्ग है, जहाँ पर ग्रामीणों ने पेड़ काट कर सड़क पर रख दिए है ताकि गांव में कोई बाहरी व्यक्ति पहुंच न सके, जिसके चलते इस क्षेत्र के स्वास्थ्य अमलों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वही स्वास्थ्य अमले से हमने बात की तो उनका साफ यह कहना है कि वह गर्भवती महिला को 102 वाहन से कांकेर जिला अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ता बंद किए जाने से वह पगडंडी रास्ते से गर्भवती महिला को ले जा रहे हैं। वही यह रास्ता बहुत ही खराब है और आधे रास्ते से कांकेर जिला अस्पताल से एक महतारी 102 वाहन आएगी, वो आधे रास्ते से पिकअप करेगी, जिसके बाद उस गर्भवती महिला को जिला अस्पताल ले जाया जाएगा। कांकेर से सुशील सलाम, स्वराज एक्सप्रेस। तो फिर जो मरीज लेके जाते हैं फिर कैसे परेशानी आती होगी? वो ये रास्ते की वजह से थोड़ा जर्क रहती है गाड़ी का हमारा। अच्छा, आप 102 वाहन, ये मरीज जो है ये प्रेग्नेंट लेडी है? हाँ, प्रेग्नेंट है, 1 मंथ। तो काफी दिक्कत होगी? दिक्कत होगा, धीरे धीरे जाएंगे, आधे रास्ते से कांकेर वालों को बुलाए, वहाँ से लेके चले जाएंगे। और इसी स्पेशल खबर के साथ एक्सप्रेस स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। स्वराज एक्सप्रेस अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है, स्टे होम सेफ होम।